आजा पीछे आजा, चल रिलीज कर, आजा पीछे आजा, रिलीज कर। चल चल इजी। स्वागत है आपका चौधरी फिटनेस में। और भाई टीम चौधरी निकल चुकी है भाई, गुड़गांव जा रहे हैं आज। एक हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने हमको बुलाया था, एंड मैं और शुभम दोनों जा रहे हैं आज गुड़गांव। संडे भी था, थोड़ा फ्री थे। आपको दिखाएंगे बैक का वर्कआउट। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भाई, वो बेसिकली पावर लिफ्टर हैं, तो दिखाएंगे आपको आज का वर्कआउट। आ गए हैं भाई गुड़गांव रोड पे। यहाँ पर गाय वगैरह, बंदर वगैरह काफ़ी मिलते हैं, और मैं संडे संडे बांट देता हूँ केले कभी कभी। ये पकड़, एक बहुत है क्या, एक और ले ले। चल बस बस, चल बहुत है, हट, चल चल हट जा। अरे अरे नहीं, बंदरों को भी देने हैं, बस ले बाबू, ले पकड़, ले चल एक और ले, हो गया तेरा। बस तीन केले बहुत हैं तेरे लिए, चल अकेला। साइड हो, साइड हो जल्दी भाई, सारे आ जाएंगे यहाँ पे रोड पे, जाम लग जाएगा। ले बाबू, ले तू हाथ से लेके जा, ले पकड़ पकड़ पकड़, लेके जा इसको, ये ले। अरे ले तू ले जा, डर क्यों रहा है, डर क्यों रहा है, आ जा इधरा, ये इधरा इधरा बाबू, इधरा ले जा, ले जा ले जा, ले तू पकड़, ले तेरे लिए तो है एक है, ये ले ले जा, आ जल्दी है जल्दी है, भगते हुए, ये ले, तेरे को भी चाहिए, ले हाथ से लेके जाएगा तो दूंगा, ले जा। अरे डांटेगा, ले बाबू ले तेरे लिए, पकड़ खा ले। पहुंच गए हम गुड़गांव फिटनेस एडिक्शन जिम में, और आज हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में, हमारी झारखंड की पावर लिफ्टर हमारी श्रेया। एंड श्रेया को मैं यार आई थिंक श्रेया 2 साल से जानते हैं, दूसरे को 2.5 साल, 3 साल, हाँ 3 साल, 2.5 साल हो गए, तीसरा साल लग गया। एंड श्रेया को मैं वन प्लस से देखता आ रहा हूँ भाई। एक लौती लड़की थी हमारे वन प्लस में जो ऐसे चलती थी और सारे लड़के डरते थे इससे, मेरे अलावा मैंने डरा क्योंकि आप भी जिम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली बस कभी मौका नहीं लगा हमको। मतलब बातें तो हमने बहुत करी है जिम की, डाइट भी हमने बहुत साथ ली है, बस मौका नहीं मिला कभी वर्कआउट करने का। और आज मिले आज हम, एंड हमारी टीम भी, शुभम हमारे साथ ही वर्कआउट करेगा, एंड श्रेया तुम जो बोलो वो करेंगे आज, बताओ। ठीक है, बैक करते, पर पहले वार्म अप करते हैं, तो डेडलिफ्ट से शुरू करेंगे। हाँ, वार्म अप, और उसके बाद आज आपको डेडलिफ्ट दिखाएंगे, देखते हैं। अब श्रेया एक चैलेंज और है, हमारा जो भी पार्टनर हमारे एक्सरसाइज करता है वो पहले गिर जाता है, मैं नहीं गिर पाता, ठीक है। अब देखेंगे आज तुम पहले गिरती हो, मैं पहले गिरता हूँ, ठीक है। कंपटीशन भी तो बॉडी बिल्डर से है क्योंकि आप भी तो मतलब स्ट्रेंथ काफी अच्छा है आपका पहले से, आप फिटनेस लाइन में लो, ये तो लड़के और लड़कियों में क्या कंपैरिजन है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, ये हम तगड़ी पहलवान है। इसकी वीडियो देखी है, मैं इसकी वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 500 पुशअप मारने थे, क्या जीती थी तुम 45 पुशअप्स एक बारी में, एक बारी में 45 पुशअप मारे थे इसने, और पैसे मिले थे कुछ 10,000 रुपए मिले थे, उसी की डाइट खिलाएगी आज हमें। शुरू करते हैं बैक का वर्कआउट। मुंह लगा दिया मैंने, एक उठा, झूठा कर दिया। अरे डर के काटेगा, मुझे प्री वर्कआउट में कोई असर ही नहीं होता है। अच्छा मैं छोड़ देते, कितना लिया था, आधा लिया था क्या, आधा ही लिया तूने, कौन सा वाला आधी है? आधी और ले दे है। अच्छा पानी, अभी मेरी स्ट्रेचिंग लंबी जाएगी, फुल कवर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्वाइन करती हो तो कहाँ करोगी यहाँ पे, क्या ज्वाइन तो करना ही है मुझे, एक बार रूम तो शिफ्ट कर जाऊं मैं, अभी मैं तो इसी जिम में आती थी। ये कहाँ चुरा के लाया तू, भी वार्म अप चल रहा है यहाँ पर। बेसिकली एक्सरसाइज तो हम पहले डेडलिफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, एंड उसके बाद स्ट्रेट अप बढ़ेंगे हैवी लिफ्टिंग की तरफ, बैक में ज्यादा। शूज टाइट कर ले रही हूँ, क्यों क्या हुआ ना, वैसे ही तो है, वार्म अप कर रहे थे ना, क्यों फिटनेस मेरी खराब लग रही है क्या, ना ना मैं वार्म अप, मैंने वार्म अप वेट लगा रखा 4-5 प्लेट में, तभी डाउट हुआ, मैं कहा ये पक्का वर्कआउट करके आ रही है। ये हमारे पहले सेट का वजन
वार्म-अप में लगा रही है। नहीं यार आप लोगों जैसा थोड़ी मार पाऊंगी मैं वेट, लड़कियों की स्ट्रेंथ अलग होती है ना। जो तू बोले मैं तेरे अकॉर्डिंग चलूंगा। हाँ 20-20 का प्लेट लगा कर यहाँ लगाना पूजा। पहला एक्सरसाइज यहाँ पे हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 20-20 किलो एंड मैडम पावर लिफ्टिंग खेलती हैं तो बता रही हैं कि 10 से 12 रेप हाँ, 10 से 12 रेप निकालेंगे। सुमो है बट मेरा क्या लग गया ये। थोड़ा गाइड करियो मारी नहीं मैंने आते सुमो ज्यादा। हाँ वाइड लेग होता है और बेल्ट तो नहीं चाहिए होगा। ना ना ग्रिप ये या ये। मैं ये ग्रिप यूज करती हूँ। तो यही जाऊंगा अल्टरनेट। हाँ क्लोज स्टैंड सही है तुम्हारे का। बारह मैं बहुत टाइम बाद मारी है। मेरा तो बैक इंजर्ड है। डेडलिफ्ट लगवा ले मैं से चाहे 200 लगवा ले मैं 200 मार दूंगा। कंपटीशन खेलना चाहिए अगर 210 क्रॉस है तो मेरा वजन भी तो 95 है। ओ भाई तो कितना वजन लग रहा है तेरे को मेरा नहीं पता। उठा सकती हूँ ट्राई कर सकती हूँ। आजा आजा उठा इधर इधर लगेगी इधर इधर। तू भाई ओ भाई ये पहलवान है तू पहलवान है भाई। लगाओ इसमें 100-100 किलो लगाओ। सच में कितना बेटर कितना है तू बता। नहीं पता अंदाजा आइडिया नहीं है। लगा 20 और 75 ये मेरा वजन 75 बता रही है। नहीं मेरी कमर में दर्द है ना इसीलिए ज्यादा मार नहीं पा रही हूँ। कोई लाइट वेट नहीं है। इतना नहीं मारूंगी मैं है इतना नहीं मार पाऊंगी। बैक पकड़ रहा है मेरा। कोई ना रैप कम निकाल चार निकाल दूं 10 की प्लेट 4 से 5 नहीं नहीं 20-30 ये है मैजिक। कमर में दर्द हो रहा है यार नहीं डर लगा मुझे। चल 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 बढ़िया चल चल बस काफी बहुत हार्ड यार बहुत हार्ड। अब रहेगा अपना तीसरा सेट। मजा आ रहा है पहली बार मतलब मैं शुरुआत करता खाली राउंड से फिर 10 किलो फिर 20 किलो तो पावर लिफ्टिंग ऐसे नहीं खेलते ना। हाँ कम रेपिटेशन कम होता है ना मेरे 18-20 रेपिटेशन रहते हैं। चल एक दो चल टेढ़ा जा रहा है। चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे कमर पकड़ लिया यार। अब इन्हें जादू क्लास ट्राई और करूंगी इन्हें जादू दिखाते हैं अब यार। ये ऐसी कितने भी पांडे प्लेट आइयो like I'm floating through the air. The pain I feel.
ground is paid for, all is said and done. Oh. चल लास्ट स्लो चलिए स्लो आइए स्लो आइए चल 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 बहुत बढ़िया 6 7 8 9 10 11 12 पूरा ऊपर छोड़ इसको पूरा ऊपर रिलीज कर ये बात चल चल पूरा ऊपर रिलीज कर दो चल पूरा ऊपर रिलीज करियो इजी तीन शाबाश दो रैप और पुश थर्ड एक्सरसाइज रहेगी अब सीटेड रो चार मेजर वर्किंग सेट रहेंगे कोई वार्म अप सेट नहीं रहेगा यहाँ पर मेजरली बैक के थिकनेस के लिए काम कर रहे हैं चल मेरी फिंगर प्रेस कर नहीं कर सकती चल इसको रिलीज कर चल आगे जान दे बहुत बढ़िया चल आजा फिंगर प्रेस कर चल 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 दिमाग नहीं लगा चल पांच चल छह आठ हो रहा है नौ चल दस कोई ना पंद्रह निकालेंगे चल 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 तेरह दो और इजी चौदह बहुत बढ़िया चल चावा मार बीटे पर टांगे खोल ठीक है अब थाई को बाहर कर हल्का सा थाई दिखा पहले ठीक है इनहेल कर जितनी हवा इनहेल कर सकते हो पूरी इनहेल कर और जब बैक पोज मारी तब रिलीज मारियो रिलीज कर दो हवा करियो पूरा आजा पीछे आजा चल रिलीज कर आजा पीछे आजा रिलीज कर छोड़ दे आजा चल तीन और एक चल एक शाबाश चल 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 एक एक हो गया चल आजा दो चल चल दो दो और एक चल चल एक और लास्ट 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 आजा 14 वन मोर 15 क्लोज द प्लेट पुल डाउन एंड यहां पर अब मेरी अच्छी खासी मसल एग्जॉस्ट हो चुकी है चार मेजर वर्किंग सेट सीधा मैच रैप हो गए मेरे पांच और एक साथ लगाइयो इधर ही आजा लास्ट मेजर वर्किंग सेट रहेगा यहां पर मेरा पार्टनर भी एग्जॉस्ट हो चुका है मैं भी एंड कोशिश मेरी होगी जब वो रैप अपने कंप्लीट कर ले वहां से मैं उसको 8-10 रैप और खींचू ठीक है जस्ट रिया चल इजी है थोड़ा सा अनइक्वल जा रही है उसको साथ में लेके चल रहे ठीक है चल बढ़िया जा रही है आजा चल चल तुम बिकमैन दिखाई नहीं है लगा आपका एक कमजोर आदमी है इक्वल ग्रिप है लास्ट एक्सरसाइज हमारी बैक से लैट पुल डाउन सेम चार वर्किंग सेट 12-16 अब यहां पर ना ग्रिप चेंज करवाई है श्रेया ने थोड़ी सी उसने बोला हाथ हम थोड़े अंदर रखेंगे आज तो देखते हैं क्या फर्क आता है उससे चल श्रेया चल 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 9 10 11 12 13 14 15 नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बैक हमारी हो चुकी है बाइसेप्स की तरफ दो एक्सरसाइज लेंगे मेजर बाइसेप्स की रॉड एंड उसके बाद हैमर हाँ हैमर कर्ल्स लेंगे डंबल से चार सेट मेजर वर्किंग चल 20 रैप निकालेंगे साथ ठीक है इतना कैसे मारोगे स्टार्ट करें
पांच और एक दो चल खेच तीन चल चल दो और एक चल चल खेच चल एक पांच दो तीन चार ग्यारह चल खड़ा हमें चल बारह चल तेरह चल खड़ा हमें चल चौदह चल पंद्रह चल तीन और चल 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 तीन और 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 आजा एक दो बहुत बढ़िया पांच और निकलो वन टू थ्री फोर मम्मी मेरी आज तक कोई टक्कर की मिली नहीं, जितनी मिली ना भाई वो मिली रोटी खाने वाली, आज पहली बार मिली मुर्गे खाने वाली। इसकी डाइट पूछी मैंने क्या खाया, मैं क्या खाती हूँ, मैं बॉयल चिकन खाती हूँ, मैं अंडे खाती हूँ, मैं स्वीट पोटैटो खाती हूँ, बाहर की लड़कियां मिल जाए भाई मोमोज खिला लो 10 रुपए के, हमें नॉन वेज एक्स्ट्रा ये वाले नहीं है भैया, मोमोज दे दो 10 रुपए के। मोमोज तो मुझे पसंद भी नहीं है, बस चिकन का आइटम चाहिए होता मुझे तो। चिकन कितना ही खिला लो, हाँ चिल्ली चिकन खिला लो चिकन ना ना ये मत बोल, ये मत बोल मेरे, ये मत बोल ना, चिकन कुछ भी खिला लो। अब इसके बाद हैमर डंबल के ना साथ ही लेते हैं, चार सेट मेजर हैमर के भी, ठीक है और क्या ऑप्शन हो सकता है लड़कियों के लिए? मैंने ये क्वेश्चन बहुत सुना है कि लड़कियों की डाइट में और लड़कों की डाइट में बड़ा फर्क है, क्या फर्क है लड़की लड़कियों में? ऐसा ऐसा कोई भी फर्क नहीं है, देखिए जिसके जितनी स्ट्रेंथ होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है ना वर्कआउट करने की, स्ट्रेंथ स्टैमिना, उसके अकॉर्डिंगली उनकी डाइट होती है। आप कितना वेट मारते हो ना उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट कम ज़्यादा होती है। लाइक सपोज अगर बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है तो उसके लिए 500 ग्राम्स चिकन एक बार का डाइट है। अब सपोज कोई बिगनर है तो उसके लिए 50 ग्राम्स चिकन भी एनफ है, मतलब 100-150 ग्राम तक खा सकते हैं अगर नॉर्मल इंसान है तो, सच बोलूँ तो नॉर्मल जिम को वाला तो 50 से 100 ग्राम चलो लास्ट 100 ग्राम एक एवरेज फिटनेस मतलब
जो नॉर्मल फिटनेस के लिए करते हैं उनके लिए 50 to 100 grams एनफ है। और अगर कोई स्पेशलाइजेशन है जिसकी मतलब बॉडी बिल्डिंग में या फिर पावर लिफ्टिंग में, तो उनकी 500 kg लाइक 500 grams से 1 kg तक का भी डाइट में जा सकते हैं। तो बेसिकली श्रेया ये कह रही है कि आप जितना अपने आप को इन्वॉल्व करते चले जाओगे जिम में, उस हिसाब से बॉडी खुद खुराक मांगती चली जाएगी, बात खत्म। हाँ, लाइक आपकी जितनी स्ट्रेंथ है टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रोटीन इनटेक भी उतना ही बढ़ता जाता है। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज का फर्क है कि कितना खाना है। लाइक मैं हर दिन 12 से 16 अंडे कंज्यूम करती हूँ, और अगर कोई एवरेज लड़की आपको मिलेगी तो उनका दो अंडे भी बहुत लगेंगे उन्हें, और ये मेरा डेली का डाइट है। और वही मैं अपना बताऊँ, मैं जब प्रेप पे रहता हूँ 25 से 28 अंडे दिन के, और मैं लड़के की बात करूँ तो 6 से 8 अंडे लास्ट, और वो भी वो ऐसे कहते हैं कि दो दिन में एक बार। अगर मुझे नहीं भी खाना होगा तो कम से कम मिनिमम ले जाऊंगी तो 6 eggs पर डे मेरा जाता है। नशरे और मैं अपनी डाइट देखता था, 500 ग्राम चिकन मतलब हमारे से वन प्लस में सारे दूर भागते थे, क्योंकि हम दोनों के डब्बे जब खुलते थे ना तो उसमें तो उबले अंडे निकलते थे और वो बिना छीले हुए, हम अंडे निकाल के टेबल पे टक 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 मारे, छीलने बैठ गए वहीं खाने बैठ गए पीछे। झारखंड में भी रेगुलर जिम? हाँ, बीच बीच में थोड़ा गैप हो गया था, फेस्टिव सीजन था ना, 2-3 फेस्टिवल्स बीच में थे, लाइक हमारे बिहार का सबसे फेमस छठ पूजा, छठ महापर्व होता है, तो 19 की थी ना छठ पूजा, 19 की, ये 17 से 14, ये 4 दिन का होता है, सबसे पहला होता है क्या कहते थे नहाए खाए बोलते हैं, और दूसरे ये भी बोलते हैं कदुआ भात, सेकेंड डे होता है खरना जिसमें खीर पूड़ी मिलती है, और खीर जो होती है ना वो गुड़ की बनी होती है, वो काफी अलग पूरी खुराक लेकर के आई है। हाँ, मैंने उसके बाद तीसरे और चौथे दिन अर्घ होता है। मैंने उसको फोन मारा आज, नॉर्मल लड़का लड़की क्या होते हैं भाई, 2 महीने बाद फोन मारा, भाई मैं अभी टाइट नहीं चल रही मेरी, मेरा एक्सरसाइज से प्रेप पे ऑफ हूँ आज एक्सरसाइज, मैं श्रेया को फोन मारा, मैं गुड़गांव आ रखा हूँ, हाँ आजा अभी करते हैं, अभी फोड़ते हैं, मतलब मैं यहाँ से मोटिवेट हुआ था लिटरली कि मतलब बंदी रेगुलर है, चाहे यहाँ रह रही है गुड़गांव चाहे झारखंड रह रही है, बंदी की डाइट ऑन पॉइंट है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, दुनिया जा रही है बाढ़ में।